हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौरव बिजनेस क्लासेस पे। तो आज का मेरा वीडियो लेक्चर है क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी मैथ पार्ट 9 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 16 और 17। बाकी का क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक हम लोग पार्ट 8 तक बनाए हैं, उसमें अपलोड कर चुके हैं पार्ट 8 तक और ये पार्ट 9 है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे कि फोर्थ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड ऑल बोर्ड एग्जाम। ये ऑल बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ऑल इंडिया बोर्ड एग्जाम्स के लिए वैलिड है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ाता हूं दोस्तों, और एनसीईआरटी बुक आप लोगों को पता होगा कि हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये आप लोगों का डाउट खत्म हो गया कि हम हर एक ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए ये सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि किसी खास बोर्ड एग्जाम के लिए मैं सीरीज चला रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग का जहाँ से कमेंट आएगा मैं उस बोर्ड एग्जाम के लिए सीरीज जो होता है इंसर्ट एग्जाम बेस्ड वो लाने वाला हूँ आप लोग के एग्जाम के समय में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कि यहाँ पे इस चैनल पे क्लास 10th to 12th का संपूर्ण तैयारी बिल्कुल आसान तरीके से कराया जा रहा है। यदि आप भी घर बैठे किसी भी बोर्ड परीक्षा का तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल गौरव बिजनेस क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें। हाँ फ्रेंड्स, तो सही सुना आपने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ एग्जाम समय में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। इफ़ ए इज इक्वल टू 102021201 तो प्रूव दैट ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू क्या करा 0। ठीक है, 2i इज इक्वल टू 0, तो हमको आसानी से इसको कर देंगे। ए क्यू पहले कर निकालेंगे, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, तो हम क्या करेंगे ए क्यू को पहले निकालने के लिए हमें a² निकालना होगा। ठीक है, a² निकालेंगे हम, उसके बाद a² निकालने के बाद a² को फिर a से गुना करके इस ए क्यू को हम लोग निकाल लेंगे, इस वाले क्यू को। ठीक है, उसके बाद 6a² तो हम पहले ही निकाल लेंगे, उसके बाद 7a प्लस 2i को यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसको पुट करके यहाँ पे इक्वल टू में इसका सोल्व करेंगे और इक्वल टू 0 के बराबर हमें दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू इतना दिया हुआ है और यहाँ पे a² इक्वल टू इतना, तो हम a² इक्वल टू क्या करेंगे, a² का मतलब होगा a इंटू a, होता है ना, a इंटू a को करेंगे तो a² हो जाएगा। तो हम आसानी से उसी तरह से a² को एन टू ए के रूप में इस a को दो बार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो पार्ट है 1 उसमें बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को बताया हूँ। तो यहाँ पे a दो मैट्रिक्स का कभी मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे देखिए पहले वाले जो होता है ना, पहले वाले इस रो को दूसरे वाले कॉलम से गुना किया जाता है, तो पहले वाले रो को मान लीजिए पहले कॉलम से करेंगे, फिर पहले वाले को दूसरे कॉलम से, फिर दूसरे वाले रो को पहले कॉलम से, दूसरे वाले को दूसरे कॉलम से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से किया गया है, a² इक्वल टू a इंटू a दिया हुआ है। अब इस वाले तीन, इसमें तीन ठो रो है। ठीक है, तीनों रो को पहले रो को बारी बारी से तीनों कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे को बारी बारी से तीनों कॉलम से, और तीसरे वाले रो को भी बारी बारी से तीनों कॉलम से हम करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए वह पहले फर्स्ट वाले रो को हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम से करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए तो 1 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 0 यहाँ पे है ना, 2 × 0 यहाँ पे इस तरह से मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। फिर इसी वाले को हम क्या करेंगे, इस सेकेंड वाले से करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 × 0 प्लस, बीच में प्लस का चिन्ह होता है दोस्तों, ये रूल है हम लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, बीच में प्लस का चिन्ह होता है। उसके बाद फिर देखिए 0 × 2 प्लस और 2 × 0 यहाँ पे हो गया। फिर सेकंड वाले को फर्स्ट वाले रो को थर्ड वाले कॉलम से करेंगे, तीनों कॉलम से बारी बारी से करेंगे, तो 1 × 2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 0 × 1 और फिर 2 × 3 यहाँ पे हो जाएगा, 2 × 3 यहाँ पे हो गया। और उसके बाद सेकेंड वाले रो को क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से पहले वाले कॉलम से करेंगे, तो अब इस सेकेंड वाले रो को करेंगे तीनों कॉलम से बारी बारी से। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाले रो को हम आसानी से कर देते हैं, 0 × 1 यहाँ पे 0 × 1 हो जाएगा, 0 × 1 और उसके बाद 0 × 2 × 0 यहाँ पे 2 × 0 हो जाएगा, फिर 1 × 2 यहाँ पे 1 × 2 हो गया। उसके बाद फिर इसी वाले रो को दूसरे वाले कॉलम से करेंगे, तो 0 × 0 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, और 1 × 3 यहाँ पे 1 × 0 यहाँ पे 1 × 0 हो गया। तो इस तरह से दूसरे वाले रो को भी हम तीनों कॉलम से बारी बारी से कर दिए। और उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे,
तीसरे वाले रो को फिर से बारी बारी से तीनों कॉलम से हम लोग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में यही रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तीसरे वाले रो को हम पहले वाले कॉलम से करते तो क्या हो जाएगा, टू गुने वन प्लस, बीच में प्लस का रूल होता है ये आप लोग को याद होना चाहिए, और जीरो गुने जीरो, यहाँ पे जीरो गुने जीरो हो गया, और थ्री को टू से करेंगे तो थ्री गुने टू हो जाएगा, और बीच में प्लस का चिन्ह होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इस वाले को दूसरे वाले से करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू गुने जीरो प्लस जीरो गुने टू प्लस थ्री गुने जीरो, आप लोग को ये समझ में आ गया। तो हम लोग फटाफट करते हुए चलते हैं, फिर इस वाले सेकंड वाले को इस थर्ड वाले से करेंगे। तो देखिए, तो टू गुने टू और बीच में प्लस, और यहाँ पे जीरो गुने वन हो गया, और फिर प्लस, और यहाँ पे थ्री गुने थ्री हो गया। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बारी बारी से तीनों में कर लिए, फिर इसको इस तीनों में कर दिया, फिर थर्ड वाले रो को तीनों कॉलम से बारी बारी से करके यहाँ पे हम लोग लिख दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग सब सोल्व करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, वन गुने वन प्लस जीरो गुने जीरो जीरो और प्लस टू गुने टू, यहाँ पे देखिए वन गुने वन प्लस, यहाँ पे देखिए जीरो गुने जीरो और टू गुने टू, तो जीरो को जीरो से करेंगे जीरो और टू टू जा फोर और वन फाइव हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइव लिख दिए हम लोग। फिर यहाँ पे देखिए वन गुने जीरो जीरो, जीरो गुने टू जीरो और टू गुने जीरो, यहाँ पे जीरो 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड में जीरो लिख दिया, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए वन गुने टू टू प्लस जीरो गुने वन जीरो और यहाँ पे थ्री टू या सिक्स होता है, तो सिक्स और टू फाइव हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग थ्री टू या सिक्स और टू एट, सॉरी यहाँ पे एट हो जाएगा, एट हो गया। और उसके बाद देखिए, अब इस वाले में देखिए जीरो गुने वन जीरो प्लस टू गुने जीरो जीरो और टू, तो यहाँ पे टू होगा सिर्फ, और यहाँ पे जीरो गुने जीरो टू टू या फोर और वन को जीरो से करेंगे तो जीरो, तो जीरो प्लस फोर प्लस वन क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। यहाँ पे जीरो गुने टू प्लस टू गुने वन प्लस थ्री गुने वन, तो जीरो गुने टू टू प्लस टू प्लस थ्री वन या थ्री, तो थ्री और क्या हो जाएगा, थ्री और टू फाइव, यहाँ पे फाइव हो गया। और उसके बाद इसमें देखिए टू गुने वन टू प्लस जीरो गुने जीरो प्लस जीरो और प्लस थ्री टू या सिक्स, सिक्स और टू क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा इसमें, और टू गुने जीरो 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 और यहाँ पे जीरो, इसमें टोटल में जीरो आ जाएगा, तो इसमें जीरो हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए टू टू या फोर प्लस जीरो प्लस थ्री थ्री या नाइन, तो नाइन और फोर क्या हो जाएगा, थर्टीन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग थर्टीन कर दिए, ठीक है। अब थर्टीन हम लोग का आ गया आंसर, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू थर्टीन आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू थर्टीन, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू जब थर्टीन आ गया तो हम क्या करेंगे, ए क्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए क्यू कह रहा है ए क्यू माइनस सिक्स स्क्वायर, ए क्यू का क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन होता है, ए क्यू बराबर ए स्क्वायर इंटू वन, ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, तो ए क्यू हम लोग का हो जाएगा ये, तो ए क्यू को करेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, तो ए स्क्वायर जस्ट निकाले हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिए, और यहाँ पे ए जो है इसको पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे इस वाले ए को पुट करेंगे यहाँ पे, और तो ए क्यू ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, और इसको फिर उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम लोग फटाफट कर लेते हैं, चलिए फ्रेंड्स हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ए ए इसको फिर सेम उसी प्रकार से करेंगे हम लोग, इस वाले रो को जिस तरह से किए हैं तीनों कॉलम से बारी बारी से, और सेकंड रो को तीनों कॉलम से बारी बारी से किए हैं, तो हम लोग फटाफट कर लेते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, इसके वजह से सॉरी चाहता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं फटाफट, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये तो ए स्क्वायर इंटू, इसको बारी बारी से तीनों रो से करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आप लोग फ्रेंड्स जाकर के प्लीज़ जाकर के मेरा पहले वाला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मैं डीपली यहाँ जाने वाला नहीं हूँ, मैं फटाफट क्वेश्चन करते चलता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और उसे अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है मुझे, क्योंकि मैं एंड्रॉयड मोबाइल से ही अपलोड करता हूँ, यहाँ पर नेटवर्क का इशू रहता है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले रो को हम क्या किए, फाइव गुने वन फाइव, फिर जीरो को क्या कि इस वाले जीरो को इस वाले जीरो से किए, तो जीरो गुने जीरो और फिर बीच में प्लस, और यहाँ पे एट गुने टू, तो एट गुने टू हो गया, ठीक है। उसके बाद एक मिनट दोस्तों, और इसके बाद सेकेंड वाले रो को हम क्या करेंगे, दूसरे वाले फिर फर्स्ट वाले रो को दूसरे वाले कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट वाले को तीसरे कॉलम से, यहाँ पे इस तरह से करेंगे। देखिए दोस्तों
इरेज कर देते हैं सबको। हाँ अब इसी वाले रो को देखिए, फाइव गुने जीरो, फाइव गुने जीरो, फिर जीरो गुने जीरो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और एट गुने टू यहाँ पे एट गुने जीरो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर इसी वाले को हम थर्ड वाले से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एट गुने टू, फाइव गुने टू प्लस जीरो गुने वन प्लस एट गुने थ्री, यहाँ पे एट गुने थ्री हो जाएगा। और उसका अब सेकेंड वाले रो को हम करेंगे बारी बारी से कॉलम से, तो क्या हो जाएगा, पहले कॉलम से करेंगे तो टू गुने वन, टू गुने वन हो जाएगा, फोर गुने जीरो, फोर गुने जीरो प्लस फाइव गुने टू, फाइव गुने टू कर दिए यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड वाले रो को बारी बारी से दूसरे कॉलम से करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, टू गुने जीरो, टू गुने जीरो और प्लस फोर गुने टू प्लस फाइव गुने जीरो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड कॉलम से करेंगे तो टू गुने टू प्लस फोर गुने वन और प्लस फाइव गुने थ्री, प्लस फाइव गुने थ्री करेंगे, हो गया। अब इस थर्ड वाले रो को बारी बारी तीनों कॉलम से कर देते हैं। तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ, इसको जो तीनों रो होते हैं ना, तीनों रो को बारी बारी से तीनों कॉलम से इसको हम करते हैं, ठीक है। और तीन बार तीसरे रो को हम करते हैं, फर्स्ट एट गुने वन, एट गुने वन हो जाएगा, फिर जीरो गुने वन, जीरो गुने जीरो, जीरो हो जाएगा, और थर्टीन गुने टू, थर्टीन गुने टू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और अब सेकेंड रो से को थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं तो क्या हो जाएगा, एट गुने जीरो प्लस जीरो गुने टू प्लस थर्टीन गुने जीरो हो गया। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करते हैं क्या हो जाएगा, एट गुने टू प्लस जीरो गुने वन प्लस थर्टीन गुने थ्री, थर्टीन गुने थ्री हो गया। अब इसको हम आसानी से इसको आगे वाले पार्ट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, फाइव वन जा फाइव प्लस जीरो प्लस एट टू जाए सिक्सटीन, क्या हो जाएगा, सिक्सटीन फाइव ट्वेंटी वन हो जाएगा। यहाँ पे, यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि फाइव गुने जीरो जीरो, जीरो गुने टू जीरो और एट गुने जीरो जीरो, तो यहाँ पे टोटल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा फाइव टू जाए टेन, तो जीरो गुने वन जीरो प्लस एट थ्री ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर और यहाँ पे टेन, क्या हो जाएगा, थर्टी फोर हो जाएगा यहाँ पे, थर्टी फोर और यहाँ पे हो जाएगा टू गुने वन टू प्लस जीरो और प्लस टेन, तो यहाँ पे ट्वेल्व हो जाएगा। यहाँ पे टोटल, यहाँ पे टू टू जीरो प्लस एट प्लस जीरो, यहाँ पे एट हो जाएगा। यहाँ पे टू टू या फोर प्लस फोर प्लस फाइव थ्री या फिफ्टीन, फिफ्टीन फोर नाइनटीन और नाइनटीन और फोर थर्ट ट्वेंटी थ्री हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपको एक मिनट, यहाँ पे एट वन या एट प्लस जीरो प्लस थर्टीन या सिक्सटीन, तो सिक्सटी फोर, यहाँ पे ट्वेंटी थर्टी फोर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका जीरो का जी, टोटल जीरो हो जाएगा, जीरो से गुना करेंगे सबको, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सिक्सटीन प्लस जीरो प्लस थर्टी थ्री थर्टी नाइन, यहाँ पे टोटल हो जाएगा थर्टी नाइन और यहाँ पे फिफ्टी फाइव हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग फटाफट आगे चलते हैं, नोट कर लेते हैं उसको। देखिए हम लोग नोट कर चुके हैं यहाँ पे, देखिए ट्वेंटी वन जीरो थर्टी फोर, ट्वेल्व जीरो ट्वेंटी थ्री, थर्टी फोर जीरो फिफ्टी, फिफ्टी फाइव यहाँ पे हम लोग यही ना किए हैं। तो ये हम लोग का हो गया, ये एक ए क्यू निकल गया हम लोग का। अब क्या करेंगे, हम लोग का पूछा है देयर फोर एल एच एस ए क्यू माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई, तो हम क्या करें, ए क्यू का मान ये निकला, इसको हम पुट कर देंगे, ए क्यू, ए क्यू के यहाँ पे पुट कर दिए, माइनस यहाँ पे माइनस है और सिक्स ए स्क्वायर, तो सिक्स यहाँ पे लिख दिया और ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, सिक्स को यहाँ पे गुना में लिख दिया और ए स्क्वायर जो हम लोग अभी जस्ट निकाले हुए थे तो ए स्क्वायर यहाँ पे रख दिए, प्लस सेवन ए, तो सेवन और ए मेरा जो गिवन है क्वेश्चन में वो ए लिख दिए, प्लस टू आई, टू और आई कहाँ से, ये आई क्या है, तो आई का मतलब होता है फ्रेंड्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका जो होगा हम लोग पढ़े हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हिंदी माध्यम वालों के लिए तत्समक आव्यूह, ठीक है। तो तत्समक आव्यूह हम लोग पढ़े हुए हैं अच्छी तरह से। तत्समक आव्यूह का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए जो भी डायगोनल में होता है ना विकर्ण में वो हमेशा सेम होता है, उसके अलावा जो होता है सब जीरो जीरो होता है। देखिए यहाँ पे डायगोनल में जो है वो वन वन है, उसके अलावा सब जीरो जीरो है, उसका मतलब यही होता है। तो थ्री गुने थ्री, थ्री का हम लोग कहा है तो क्या करेंगे, थ्री गुने थ्री मैट्रिक्स कहना है तो हम लोग थ्री गुने थ्री मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ठीक है, ये लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ले लिया हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहाँ पे देखिए अब सबको गुना करेंगे बारी बारी से, क्या हो जाएगा, ट्वेंटी वन इसको हम सेम इसी तरह से रहने देंगे और माइनस, और आप लोगों को बताया था कि सिक्स जो बाहर वाले सिक्स को टोटल से हम लोग गुना करते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर टोटल उससे बाहर वाले को गुना करते हैं। तो हम इसको गुना, सिक्स को सबसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स फाइव या थर्टी, सिक्स जीरो जीरो और सिक्स को एट से करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्टी एट, और फिर सिक्स को ट्वेल्व से करेंगे ट्वेल्व, और टू से करेंगे ट्वेल्व, सिक्स को
क्या कर, फोर से करेंगे तो क्या जो चौबीस यहाँ 24 हो जाएगा, सिक्स को फाइव से करेंगे 30, माने बारी बारी जितने एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर होते हैं ना, मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं बाहर वाले जो होते हैं उस बाहर वाले को टोटल से गुना करते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो सिक्स को टोटल अंदर में जो था गुना कर दिए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर सेवन बाहर में है ये, और सेवन ए था तो ए का जो वैल्यू था यहाँ पुट किए, और सेवन से बारी वाले से हम लोग गुना करेंगे, तो सेवन से टोटल में गुना कर दिए, सेवन वन जाए सेवन जीरो, सेवन टू जाए 14, जीरो, फिर सेवन टू जाए 14, सेवन वन जाए सेवन, सेवन टू जाए 14, जीरो, और सेवन थ्री जाए 21। तो इस तरह से हम लोग गुना कर दिए, आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। और उसके बाद ये देखिए लास्ट में देखिए आइडेंटिटी टू आई था, तो टू और आई यहाँ पे पुट कर दिए थे हम लोग, तो टू को आई से, तो टू यहाँ पे गुना कर दिया टू को बारी बारी से टोटल एलिमेंट से, हो गया। और उसके बाद इस सबको हम लोग जो होगा वो सब सरल करके सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इस 20 इसको ए क्यू को यहाँ पर रहने दिए, ठीक है, माइनस अब इसको क्या किए हम लोग देखिए इस सब कर दिए, उसके बाद यहाँ पे इसको इसको और इसको ऐड करिए, ठीक है, इसको और इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2 जो जैसे है उसको 21 माइनस 30 प्लस है तो प्लस 70 प्लस 2, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो कर दिए। उसके बाद देखिए 34 माइनस है तो माइनस 48 और प्लस यहाँ पे 14 है तो 14 और प्लस जीरो है तो जीरो कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको फिर बारी बारी से इसी तरह से हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, तो वो भी जाकर देख लीजिएगा प्लीज, और प्ले लिस्ट बना हुआ है 12th मैट्रिक्स मास्टर वीडियो के नाम से, उसमें उसके बाद बारी बारी से सबको हम लोग ऐड कर देंगे और जो होगा मल्टीप्ली सब्ट्रैक्ट और एडिशन वो कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 से 30 जाएगा तो माइनस नाइन हो जाएगा, माइनस नाइन प्लस सेवन क्या हो जाएगा 15 और माइनस नाइन प्लस 16 और टू माइनस देखिए माइनस नाइन और प्लस यहाँ पे देखिए 7 टू 9 तो माइनस नाइन प्लस नाइन जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 34 और यहाँ पे यहाँ पे देखिए 40, इसको दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 34 और 14 क्या हो जाएगा 44 48 और यहाँ पे 48 है तो 48 माइनस 48 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। और इसमें देखिए उसके बाद यहाँ पर 12 प्लस 0 और माइनस 12 तो क्या हो जाएगा जीरो, फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा सबका सब मेरा दोस्त यहाँ पे जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जीरो हमें दिखाना था शो करना था कि जो इसी इसका जो इक्वल होगा ये जीरो के बराबर आएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। तो देखिए अब इसके बाद यहाँ पे 34 माइनस 14 और 34 और 14 को यहाँ पे ऐड करेंगे और माइनस 48 से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो यहाँ पे जीरो हो जाएगा ऑलरेडी। और यहाँ पे देखिए 35 प्लस 2 और यहाँ पे इस टोटल को ऐड करके 78 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा, तो RHS मेरा आ गया, यही मुझे शो करना था कि जीरो इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स होगा 0 0 0 तो यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू जीरो हो गया मेरा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता हुआ, क्वेश्चन नंबर 70 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे किस तरह से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ईजी है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, इफ़ ए इज इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड I इज इक्वल टू 1 0 0 1, देखिए I इज इक्वल टू 1 0 0 1 दिया हुआ है, आप लोगों को बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो डायगोनल होते हैं वो 1 1 होते हैं और उसके अलावा सब जीरो होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आप क्या करें फाइंड किए की का जो वैल्यू होता है वो हमें फाइंड करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस टू आई, इस तरह से मेरा इक्वेशन दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस टू आई। सबसे पहले हम क्या करेंगे ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आप लोगों को पता है कि ए और ए को दोनों को मल्टीप्लीकेशन में लिख करके हम लोग निकालते हैं, तो ए स्क्वायर को यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर को क्या किया मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू के ए, के और ए का मान रख दिया माइनस टू और आई का मान रख दिया, ठीक है, रख गया और यहाँ पे सोल्व कर दिया, तो इसको मल्टीप्लीकेशन कर दिया है जिस तरह देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 3 × 3 और प्लस माइनस 2 × 4 और यहाँ पे 3 × 3 × -2 फर्स्ट वाले रो को बारी बारी से दोनों कॉलम से किया है 3 × -2 और प्लस माइनस 2 × -2 यहाँ पे किया है और यहाँ पे 4 × 3 और प्लस 4 × 4 और फिर यहाँ पे 4 × -2 प्लस माइनस 2 × -2 दिया हुआ है,
इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लीजिएगा खुद से, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। इक्वल टू के को फिर बारी बारी से टोटल अंदर जितने हैं उससे गुना कर दिया तो 3k माइनस 2k 4k और माइनस 2k हो गया, क्योंकि बाहर वाले जो होता है, जो बाहर में होता है उसको ये अंदर के जितने एलिमेंट्स होते हैं उस सबसे गुना किया जाता है, ठीक है। इसको जो है ना बारी बारी जितने होते हैं उस सबसे गुना किया जाता है, तो ये भी समझ गए होंगे आप लोग। और उसके बाद माइनस 2i तो 2y तो 21 20 को 0 202 इस तरह से आ गया, और इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग इसको ऐड कर देंगे, इसको जो होगा सोल्व करके हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 1 - 2 - 4 - 2 इक्वल टू क्या आएगा 3k - 2। इसको क्या करें दोनों को माइनस में है तो यहाँ पे तो माइनस में कर दिए 3k - 2 - 2k - 2k - 0 - 2k 4k - 0 हो जाएगा क्या 4k और -2k - 2 तो -2k - 2 लिख दिए, और यहाँ पे इसको हम क्या किए सब सोल्व करके लिख दिए। उसके बाद इसको दोनों को इक्वालिटी में कर दिए, देखिए तो 4 3 यहाँ के क्या होगा 3k - 2 4k - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k - 4 है तो k इक्वल टू -4 वाई फोर -1 हो जाएगा, बट -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k 4k = 4 तो k = 1 आ गया। इस तरह से एक को कंपेयर कर दे, किसी एक को कंपेयर कर देंगे दोनों में तो k = 1 मेरा आ गया आंसर। इस तरह से मेरा 16 और 17 क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्तों। आने वाले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये हम लोग स्क्रीन पे नहीं इसको सोल्व करेंगे, इसको हम कॉपी पे सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग, आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।